हेलो एवरीवन अ वेरी वोम वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू स्वाई एजुकेशन माई सेल्फ राधा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिए थे आज हम लोग फर्दर क्वेश्चन देखेंगे उससे आगे के और कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लेंगे आज हम लोग जितना हम बचा हुआ है सो लेट स्टार्ट सो द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोविंग क्राइटेरिया हैज बीन मैक्सिमम वेटेज वाई सिलेक्टिंग न्यू वाटरशेड इन राजस्थान यानी के राजस्थान में नए वाटरशेड के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक महत्वता दी जाती है मैक्सिमम वेटेज किसे दिया जाता है किसके रेफरेंस में पूछा गया है न्यू वाटरशेड के रेफरेंस में पूछा गया है केस ऑफ राजस्थान So, पहला ऑप्शन आता है एरिया हैविंग शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर यानी जिसमें क्या है ड्रिंकिंग वॉटर यानी जो पीने का पानी है उसकी कमी है एरिया हैविंग मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ बीपीएल पी एल एस सी एस टी कॉम्युनिटी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन पोस्ट मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एरिया हैविंग वेरी लो वेजेस तो इनमें से हमें चूज करना है किसके रेफरेंस में न्यू वॉटर शेड के रेफरेंस में इनमें से किसे मैक्सिमम वेटेज दिया गया है सो so, अगर हम लोग इन सारे ऑप्शन को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू वोटर शेड कौन सा मोस्टली उसके को रिलेट करेगा ऑप्शन एरिया हैविंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर ओके सो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आर्टिफिशियल हैचिंग ऑफ ग्रेट इंडिया बर्स्टॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद फॉर आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हैचिंग मतलब आर्टिफिशियली तरीके से हैचिंग मतलब एक स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रेट इंडियन बर्स्टॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली कोलैबोरेट विद किसके साथ कोलैबोरेट किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी न्यू डेली और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विटरलैंड सो किसके साथ कोलेब किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ में कोलेबरेट किया है किसने कोलेबरेट किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने कोलेबरेट किया है क्यों कोलेबरेट किया है फॉर आर्टिफिशियल हैचिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट राजस्थान रेवरेना सोइल इज फाउंड इन एज पर द सोइल क्लासिफिकेशन यानी सोइल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट राजस्थान रेवरेना सोइल कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया है गंगानगर में बीकानेर में उदयपुर में और जालोर में तो कहाँ पाई जाती है रेवेरिना नाम का सोइल जालोर में अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग सोइल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जालोर में रेवरीना जो सोइल है वो पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कम इन टू इफेक्ट इन कब इफेक्ट में आई थी 1988 में 2018 में 2010 में या 2000 एट में तो कब आई थी ये देखने को मिली थी 2010 में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिवर बनास ओरिजिनेट फ्रॉम कहा से ओरिजिनेट हुई है? बनास रिवर गोगुंडा हिल्स नियर उदयपुर नाग पहाड़ अजमेर जनापाव हिल्स मध्य प्रदेश एंड खमनोर हिल नियर कुंभलगढ़ तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये ये ओरिजिनेट हुई है खमनोर हिल्स नियर कुंभलगढ़ क्लियर है सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है यहां पे हम लोगों को एक तरफ मिनरल दिए गए हैं और एक तरफ मीनिंग एरियाज दिए गए हैं सो रॉक फोस्फेट ये इसके साथ मैच होगा धरियावाद या खफेरा के साथ में दफान कोटरा या फिर फतेहगढ़ लीलवानी या फिर डेगना इनमें से मैच करना है ये मिनरल कहां से खनन क्षेत्र इसका क्या है वो यहाँ पे फाइंड करना है सो so, इसका हो जाएगा रोक फोस्फेट इसका जो माइनिंग एरिया वो क्या है डाफन कोटड़ा तथा फतेहगढ़ तो इसका क्या हो जाएगा ए का सेकंड क्लियर है सो so, ए का सेकंड जो है ये दो ऑप्शन में दिया गया है ए का सेकंड दो ऑप्शन में है और बी का फोर्थ भी दो ऑप्शन में है सो so, यानी कि बाय डिफॉल्ट बी का क्या होना चाहिए टंगस्टन का डेगाना क्लियर है नेक्स्ट आता है मैंगनीज का सो so, मैंगनीज का क्या होगा ज का धरियावाद एंड खमेरा एंडोलोमाइट का क्या रह गया डोलोमाइट का हो जाएगा लीलवानी क्लियर है सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को मैच करना है लेक और डिस्ट्रिक्ट जैसे लेक का नाम दिया गया है उम्मेद सागर और डिस्ट्रिक्ट यहां पर दी गई है लिस्ट सिरोही उदयपुर धौलपुर या फिर भिलवारा सो so, मैच करना हम लोग को यहाँ पर सो so, जो लेक है कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में मैच होगी उम्मेद सागर इज मैच विद दस क्लियर है जो कि दो ऑप्शन में है फर्स्ट में और सेकंड में नेक्स्ट आता है नाकी लेक सिरोही सो ए का फोर्थ जो कि दो ऑप्शन में है एंड बी का फर्स्ट जो कि सेकंड ऑप्शन में है तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इनमें से कौन सी कौन सा है जो उसके साथ में कोरिलेट नहीं करता रिलेटेड नहीं है रिलायंस कॉमटेक्स उदयपुर या फिर मेवार टेक्सटाइल भिलवारा या फिर बिरला कॉरपोरेशन चित्तौर या फिर एडवर्ड मिल्स बयावर तो इनमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है सो so, बिरला कॉरपोरेशन चित्तौर इज नॉट रिलेटेड विद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेवार शुगर मिल इज सिचुएटेड एट कहां पे सिचुएटेड है ये ये मिल भोपाल भोपाल सागर में श्री गंगानगर में या फिर उदयपुर में या फिर केसो रायापट्टनम में सो so, कहां पर सिचुएटेड है भोपाल सागर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों को प्लेस और इंडस्ट्री मैच करना है यहाँ पर जैसे प्लेस दिया गया यहां पर बेवार दिया गया है भरतपुर दिया गया है गंगानगर दिया गया है और केसवा नागू जर दिया गया है और इंडस्ट्री मॉस्टर्ड ऑयल शुगर या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर पेपर इंडस्ट्री सो so, मैच करना है हम लोगों को यहां पे सो so, बेवार का कौन सा मैच हो जाएगा यहाँ पे ए का मैच हो जाएगा यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्लियर है सो ए का थर्ड जो कि दो ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट में और सेकंड में सो बी का बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए वन होना चाहिए सो भरतपुर मस्टर्ड ऑयल से रिलेटेड है गंगानगर कहां से रिलेटेड होगा गंगानगर होगा शुगर इंडस्ट्री से एंड केशवा नागुजर किससे रिलेटेड होगा पेपर इंडस्ट्री सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड विद पॉवर्टी कौन सी रिलेटेड नहीं है गरीबी रेखा से सो so, रंगराजन कमिटी लकड़ा वाला कमिटी तेंदुलकर कमिटी या आर स्वामीनाथन कमिटी सो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड विद पॉवर्टी सो कौन सी को रिलेटेड नहीं है आर स्वामीनाथन कमिटी नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यबल एनर्जी इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान का वो किसके थ्रू अप्रूव किया गया है अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यबल एनर्जी इज सिचुएटेड एट कहाँ पर सिचुएटेड है बिथरी में दे, देवघर में बल्होत्रा में या फिर फतेहगढ़ में तो कहाँ पर सिचुएटेड है फतेहगढ़ में नेक्स्ट क्वेश्चन सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सपोर्ट के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूपन अजमेर में या फिर जोटवारा जयपुर में या फिर टोंक में या फिर गंगा नगर में तो कहां पर सिचुएटेड किया है कहां पर ये देखा गया कहां पर स्थापित है ये सो so ये स्थापित किया गया है रूपनगर अजमेर में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पे नाथारा की पाल एंड मोरीजा बनोल बेल्ट हैव माइंस ऑफ सो इन क्षेत्र में कौन सी माइंस या खाने पाई जाती हैं कोयले की कोल आयरन और कॉपर या फिर मैंगनीज की सो किसकी पाई जाती हैं? आयरन और यानी लोह अयस्क की पाई जाती हैं खान नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ राजस्थान इज प्रपोज्ड एट जो सेकंड न्यूक्लियर प्लांट है पावर प्लांट है राजस्थान का प्रपोज कहाँ पर प्रस्तावित किया गया था जोधपुर में, में बिकनेर में में या फिर अलवर में सो so, कहाँ पर किया गया था बांसवाड़ा में सो so, राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है बांसवाड़ा में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द राजस्थान पुलिस ऑफिसर विच वॉज ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर पीस कीपिंग इन साउथ इज़ यानी राजस्थान पुलिस ऑफिसर राजस्थान की पुलिस अधिकारी बाय द यूनाइटेड नेशन जिसे किसने किया था, यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर पीस दक्षिण सुडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया गया था कौन थे वो कमल शेखावत कोमल राठौर अमनदीप रावत या फिर रविंद्र कौर कौन थे वो सो दट इज कमल शेखावत विच ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है इट वॉज स्टैब्लिस्ड फॉर पावर ट्रेडिंग बिजनेस

ये कब फॉर्म किया गया था 2015 में किया गया था कैबिनेट डिसीजन के बाद में मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात ये 2015 में गठित की गई थी नेक्स्ट वन इज इट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉरपोरेशन मीन्स इट इज अ होल्डिंग कंपनी किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण निगमों प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सो करेक्ट क्या हो जाएगा फिर इसका फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आस्क इन द्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाय कांसल एंड कपूर डी एरिया आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ तो राजस्थान के जो एरिया है किसके लिए फेमस है विंड एनर्जी के लिए जियो थर्मल एनर्जी के लिए ऑयल एंड गैस के लिए या फिर हाइड्रो पावर हाइड्रो हाइड्रोमी वॉटर पावर सो किसके लिए ये फेमस है सो दीज आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस नेक्स्ट क्वेश्चन पायल जानगिर ऑफ राजस्थान रिसीव्ड द चेंज मेकर अवार्ड यानी जो पायल जा है राजस्थान की उन्हें चेंज मेकर अवार्ड रिसीव रिसीव हुआ था फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन इन अमेरिका एंड शी बिलोंग टू कहाँ से वो बिलोंग करती हैं राजस्थान के कौन से एरिया से वो बिलोंग करती हैं देसूरी डिस्ट्रिक्ट पाली खीचन डिस्ट्रिक्ट जोधपुर हिंसाला डिस्ट्रिक्ट अलवर या सानो डिस्ट्रिक्ट अजमेर तो कहाँ से बिलोंग करते है? शी बिलोंग फ्रॉम हिंसला डिस्ट्रिक्ट अलवर सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एस एस ए आई इज द रेगुलेटिंग बॉडी फॉर फूड सेफ्टी इन इंडिया उजेंड नाइनटीन ऑक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे वर्ल्ड फूड डे के ओकेजन पे एफ एस एस ए आई स्टार्ट मैनी इनिशियटिव बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे एफ के थ्रू तो इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं था उनमें फूड सेफ्टी मित्र स्कीम वॉज लॉन्च यानी खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ स्मार्ट जैकेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फील्ड स्टाफ टू कीप देयर डिवाइसेस यानी अपने फील्ड कर्मियों के उपकरणों को रखने के लिए स्मार्ट जैकेट जारी की गई

प्रॉन्सक्रिट खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी के साथ में क्या करना समझौता करना एग्रीमेंट साइन करना तो कौन सा इनमें से इनिशिएटिव बिलोंग नहीं कर, करता कौन सा उस टाइम पर इनिशिएट नहीं लिया गया था ये पूछा गया है क्वेश्चन में सो टू इनक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोसेस्ड फूड एन एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड विद एन अमेरिकन फर्म दैट इज नॉट कम दैट इज नॉट

बोध द पर्सन दोनों ही पर्सन ऑल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किस में नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में विद विदर डफलो पहला है माइकल क्रेमर एंड अरिजीत बनर्जी पोल रोमर एंड अभिजीत चैटर्जी माइकल क्रेमर एंड अभिजीत बनर्जी एंड माइकल क्रेमर एंड डीन कार्लिन सो so, कौन सा हो जाएगा इसमें से सो द करेक्ट इज माइकल क्रेमर एंड अभिजीत बनर्जी दोनों को क्या मिला है बो द पर्सन रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन राजस्थान वेरियस ग्रेड ऑफ कॉपर इज अवेलेबल कॉपर के बहुत सारे ग्रेड अवेलेबल है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ राजस्थान विच प्लेस हैज द हाइएस्ट कॉपर डिपोजिट ऑफ ऑल ग्रेड राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है राजस्थान की निम्नांकित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सो हाइएस्ट कॉपर डिपोजिट ऑफ ऑल कॉपर ग्रेड कौन से प्लेस में पाया जाएगा राजस्थान में अंजनी उदयपुर में मदन कोदान झुंझुनू में बेड़ावल की पाल उदयपुर में या फिर हनोतिया अजमेर में तो कहां पर पाया जाता है अंजनी उदयपुर में नेक्स्ट वन इज आबू एरिया यानी आबू पर्वत माउंटेन आबू एरिया इज मेनली फोर्म बाय ग्रेनाइट बेसाल्ट ओबिसन या फिर बिटुमिनस रॉक्स सो आबी पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है किससे बनाया गया है मेनली फोर्म्ड बाय सो इट मेनली फोर्म बाय ग्रेनाइट नेक्स्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट रिसेंटली अपॉइंटेड है सुप्रीम कोर्ट जज इज यानी फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है राजस्थान हाई कोर्ट के जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के एज अ जज जिनको अपॉइंट किया गया वो कौन है मोहम्मद रफीक श्रीपति आर भट्ट गोविंद माथुर या फिर विनीत कोठारी राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उनका नाम बताना है so श्रीपति आर भट्ट। करना है यहाँ पे प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट यानी वो मिनरल कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है उत्पादक जिला कौन सा है उसके साथ में मैच करना है सो so पहला मिनरल यहाँ पर दिया गया है वोल बेरेलीम मैंगनीज एंड बेंटोनाइट एंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं बर्मर बंसवारा उदयपुर एंड नागौर सो so, मैच करना है यहाँ पे सो वोल्फ्रेमाइट कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है नागपुर में सो so, ए का दिया गया फोर्थ जो कि सेकंड ऑप्शन में है सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड एट योकोहामा जापान एफ एओ हैज इडक्वार्ट रीजनल ऑफिस सब रीजनल ऑफिस या फिर लेसोन ऑफिस मुख्यालय है क्षेत्रीय कार्यालय है उप क्षेत्रीय कार्यालय या फिर संपर्क कार्यालय है सो so, क्या है संपर्क कार्यालय लियसोन ऑफिस रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अभी अहमद अली एंड चूज द करेक्ट आंसर कोड ही प्रेजिडेंट ऑफ इथियो आर्मी ऑफिसर सो ये दो स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट अबाउट अबी अहमद अली करेक्ट है ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ इथियोपिया यानी वो इथियोपिया के प्रेजिडेंट है जो पहले एक आर्मी ऑफिसर थे

नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लेस वेयर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड अमेरिकन प्रेजिडेंट मीट इन यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट 2019 में सितंबर में कहा मिले थे इंडिया में जर्मनी में फ्रांस में या फिर अमेरिका में तो कहाँ पर मिले थे फ्रांस में मिले थे 21 अक्टूबर 2019 वाज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन डेट फॉर द स्टेट और जिन राज्यों के विधानसभा पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र सो इट वॉज हरियाणा ये स्टेटमेंट टू थाउजेंड में ये पेपर राजस्थान का है ये सो so एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था सो एट दैट टाइम ट्वेंटी फर्स्ट अक्टोबर टू थाउजेंड नाइनटीन वॉज द लेजिसलेटिव असेंबली इलेक्शन डेट फॉर द स्टेटमेंट और स्टेट हरियाणा सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीआर टी हेज स्टार्टेड अ नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर द होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ स्कूल हेड एंड टीचर यानी एन ने एक नेशनल लेवल प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर द होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए किसके होलिस्टिक अप्रोच के लिए किसके एडवांसमेंट के लिए स्कूल हेड्स के लिए और टीचर्स के लिए द एवरीवेटेड नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज सो उस प्रोग्राम का क्या नाम है प्रतिष्ठा परीक्षा निष्ठा या फिर इष्ठा तो क्या नाम दिया गया है उसका उसका नाम दिया गया है निष्ठा यानी एनसीईआरटी ने विद्यालय प्रधानों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाया है इस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है निष्ठा सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन सेवनटीन एंड 18th ऑगस्ट 2019 to which country the rupee card was launched in that country यानी भारतीय प्रधानमंत्री की 17 और 18 अगस्त 2019 को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश में रुपए कार्ड का शुभारंभ हुआ था मलेशिया में भूटान में श्रीलंका में या फिर नेपाल में तो भूटान में किया गया था एन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स क्रेस्ड इन ग्वालियर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर टू सो उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था सो so, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जबी जबी हुआ था, तो उस टाइम के अफेयर के क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई सिटी वेयर द लार्जेस्ट बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ इंडिया भामाशाह टेक्नो हब हेज बीन एस्टेब्लिस्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यानी उस शहर को पहचानिए जहां राजस्थान सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया था यानी स्टेब्लिस्ड किया गया था जोधपुर झालवाड़ा अजमेर या फिर जयपुर so जयपुर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लॉन्च ऑपरेशन सुदर्शन इन जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन निम्नलिखित बलों में से किसने जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन में ऑपरेशन सुदर्शन स्टार्ट किया था शुरू किया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सो किसने स्टार्ट किया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सुदर्शन लॉन्च किया था इन जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन हु एमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन ऑफ राजस्थान इज नॉट रिलेटेड टू शूटिंग यानी राजस्थान के निम्नांकित खिलाड़ियों में से कौन निशानेबाजी से संबंधित नहीं है दर्शन राठौड़ कार्तिकी शेखावत यशा सिंह या फिर निशा शर्मा so, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कार्तिकी शेखावत इज नॉट रिलेटेड टू शूटिंग

फर्स्ट मार्च 1986 या फिर फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन एटी सिक्स सो इट्स थर्टीन फेब्रुवरी बी आई एस मार्क इज यूज एज एन इंडियन स्टैंडर्ड फोर किस लिए यूज किया जाता है होल मार्क को भारतीय मानक के रूप में जिनके लिए उपयोग में लाया जाता है इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मेडिकल प्रोडक्ट इधर गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट सो इट्स यूज इंडियन स्टैंडर्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रीज राजस्थान यानी के जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रीज राजस्थान यानी वर्तमान जेल महानिदेशक राजस्थान के कौन है महेश चंद्र बे, बेरवा डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ओमेंद्र भारद्वाज या फिर पी के रेड्डी सो टू थाउजेंड नाइनटीन में कौन थे उस टाइम पे सो इट्स एन आर के रेड्डी नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं 2019 में एग्जाम हुआ था तो उसी टाइम के क्वेश्चन पूछे गए हैं सो चंद्रयान टू वॉज लॉन्च ऑन कब लॉन्च किया गया था सो so, ये लॉन्च किया गया था उज नाइन फ्रोम सतीश धवन स्पेस क्वेश्चन है पीएज ऑफ मिल्क इज मिल्क का पीएज है वो अप्रोक्सीमेटली सेवन के आसपास होता है तो इट्स सिक्स पॉइंट एट नेक्स्ट पीके ए वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज पीके वैल्यू क्या होती है एसिटिक एसिड कीमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है सो पीके वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज फाइव वैल्यू ऑफ के एट नाइनटी इज क्या वैल्यू होगी सो इट्स

द मोलिकुलर geometry ऑफ सी एल एफ थ्री सीएल यानी क्लोरिन एंड एफ यानी फ्लोरिन सो so, सो so ये किस तरीके से होगा सो इट्स एफ थ्री तीन फ्लोरिन है तीनों के ऑक्टेट में जैसे फ्लोरिन का क्या होगा नाइन होगा एटोमिक नंबर सो फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन देन सेवन सो आउटर शेल में सेवन होंगे क्लोराइन का होगा सेवनटीन क्लोरीन का सो टू एट एंड सेवन तो वन की रिक्वायरमेंट होगी फुलफिल करने के लिए मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगी इसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री होगी शेप आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस टू एच प्लेटिनियम मेन प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट पूछा गया है मेन प्रोडक्ट क्या होगा सो मेन प्रोडक्ट क्या होगा इट्स दिस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिएक्शन दी गई है यहां पर और पूछा गया है कि रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है सो so, ये रिएक्शन रिमर टीमन रिएक्शन है या फिर कोलाब्री रिएक्शन या फ्रिडल क्राफ्ट या विलियमसन सिंथेसिस है So, सारी रिएक्शन जब मैंने केमिस्ट्री का पोर्शन करवाया था तब वहां पर करवाए थे कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगा रिमर टीमन रिएक्शन क्या होगा तो ये रिएक्शन कौन सा होगा ये होगा रिमर टीमन रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैमेक्सिन गैमेक्सिन का केमिकल या रासायनिक फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है सी सिक्स सी एल सिक्स सी सिक्स एच फाइव सी एल सेवन सी सिक्स एच फोर सी एल एट सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स केमिकल so, फॉर्मूला क्या होगा इसका सी सिक्स एच सिक्स एन सी एल सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है और इसका मेन प्रोडक्ट पूछा गया है और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में सो मेन प्रोडक्ट इसका एनहाइड्राइड होगा या फिर कीटोन होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर एल्डेहाइड होगा सो इसका मेन प्रोडक्ट एनहाइड्राइड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल्डिन रिएजेंट टिल्डिन जो रिएजेंट है वो क्या है नाइट्रोसिल क्लोराइड है एसेटाइल क्लोराइड है पायरेडीन है या फिर पर एसिड है सो इट्स नाइट्रोसिल क्लोराइड नेक्स्ट केमिकल स्ट्रक्चर पूछा गया है पिनेकोल का सो so, पिनेकोल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा So, this is the chemical structure of pinnacle. Any CH3? Char carbon hai. 1 carbon 6 and OH and OH. This is the chemical structure of pinnacle. So, thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can ask that in comment section. So thank you so much everyone.